जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक नए दिन नई रूटीन में। तो सुबह का टाइम 7:15 का है और रात कोई लगी थी बारिश, मतलब 4:30 से लगी थी बारिश। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और ये हमने थोड़ी सी मक्की निकालना शुरू की थी, पर बारिश ही नहीं थम रही है और मक्की बिल्कुल पक कर जो है तैयार हो गई है। वो टंडा जो है सूख कर नीचे गिर रहा है, क्योंकि मक्की बिल्कुल एकदम से तैयार है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो देख सकते हैं आप पीछे का जो व्यू है। अब जो धुंध थी ना, वो चली गई है। सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, जब हम उठे थे मिल्किंग करने के लिए तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। अब इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, पर बादल फिर भी गरज रहे हैं और इस तरह का मौसम बना हुआ है। हल्की हल्की सी बारिश अभी भी है और मैं आई हूँ अपनी वीडियो की शुरुआत करने को लैंटर पे, और सोचा चलो आपको आसपास का व्यू भी दिखा देती हूँ। देखो पानी पानी हो गया है सारे आसपास का व्यू। तो यहाँ नीचे काम लगा हुआ है, इधर डंगे का काम लगा हुआ ना, यहाँ लगती है मशीनें। फिर यहाँ कुछ नहीं सुनाई देता, दिन को 9:30 से काम स्टार्ट हो जाता है, तब कुछ नहीं सुनाई देता। मैं बताती हूँ आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा जो यहाँ काम लगा हुआ है। ये देखो ये मशीन है, ये हमारे घर के पास में खड़ी है। बहुत ज़्यादा शोर होता है इसका, ये वाली। और ये लगा हुआ है डंगे का काम, और ये है स्कूल। ये वाली जो मंजिल है ना, इस जिस पर स्पेस टंकी है, इसकी लिपाई लगी है और यहाँ लगा हुआ है डंगे का काम। स्कूल के जो पीछे की दीवार है ना, वो लग रही है परे से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ दिन को बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, फिर कुछ नहीं सुनाई देता। और ये है ट्रैक्टर पानी का इंतजाम, और नीचे है JCB ग्राउंड में खड़ी हुई, स्कूल के ग्राउंड में। बस हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। और जो दूसरा स्कूल मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, SBM स्कूल, तो वो थोड़ा नीचे जाके है इसी स्कूल के पास में, लेकिन थोड़ा सा जाकर नीचे हैं, जिसपे ये हरी चादर है नीचे। और ये है हमारी खेती बाड़ी, इस स्कूल से ऊपर ऊपरी तरफ को ना, ये पूरी हमारी खेती बाड़ी लगी यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और ये है बीच में घर, और घर के पास में से फिर से साथ में ये पूरी खेती बाड़ी भी। ये देखो इस तरह की ये सारी खेती हमारे ऊपर ऊपर जो है ना, ये औरों के हैं। और ये जो मक्की पक गई है, ये हमारे खेत हैं। ये देखो ऊपर बारिश भी लगी हुई है ना, पूरा फोन गिल्ला हो गया। इतनी सी मक्की निकाली है अभी हमने ना, अब क्या करें, बारिश ही नहीं थम रही है। निकाल तो देनी थी हमने, लेकिन रखे का अंदर भी जगह नहीं है। और ये है मेरा किचन गार्डन, आजकल ना इसमें कुछ नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल खाली है ये। ये देखो फूलेंगे इसका ना, सर्दियों में मुरब्बा पड़ता है बड़ा गजब का। और ये है अमरूद का पेड़ ही बन गया है। और ये है एग्रीकल्चर वाले ने जो हमारे को, मैंने ना सबसे पीछे लगाई थी, पता नहीं कैसी मक्की होगी इसकी, मैंने लगाई है इसको चेक करने के लिए कि किस तरह की मक्की होगी। और साथ में लगाई है मैंने भिंडिया, ये भी एग्रीकल्चर वाले ने बीज दिया था। और ये है घर के आसपास का व्यू। तो यहाँ गाड़ी खड़ी है, लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं, और जब घास काटते हैं सूखा तो वो भी हम यहीं पर रखते हैं, मतलब जो भी सामान है स्टोरेज का वो उसी तरफ रखते हैं। और यह है हमारा काउ शेड, आंगन है, ऊपर तिरपाल लगा है और गोबर के तसले भरकर रख दिए हैं, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तो जो नीचे वाले खेत हैं वहाँ पर फेंकते हैं। फिर से स्टार्ट हो गई है बारिश, आज पता नहीं पूरा दिन चुकने का नाम ही नहीं लेगी है। और चूल्हे के पास ना एक लकड़ी भी नहीं है, पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ चला गया था। और बीच बीच में ना मौसम साफ था, धूप लगती थी, लेकिन लकड़ी है नहीं पाई बिल्कुल भी नहीं। तो देखो फिर से बारिश हो गई शुरू, दिख रहा है देखो। आज शायद पूरा दिन रहेगी। और इसमें बाथरूम में रखी है मैंने PBS पानी की। रोज चलो फटाफट से चलते हैं किचन में, आलू राजमा की बनेगी आज रेसिपी। तो बाहर लगी है बहुत ज़्यादा बारिश और मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे आज आलू राजमा बनाने हैं। और ना यहाँ एक लकड़ी भी नहीं है, देखो आपको पता नहीं कहाँ चला जाता है दिमाग, लकड़ियाँ सुखाने और रखने का ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। और लकड़ियाँ जो है ना, तो यही है 2-3 लकड़ियाँ, इन पे ही होगा। तो चपाती बन गई है, ममता ने बनाई है चपाती, और मैं बनाऊंगी आलू राजमा को लगाऊंगी मैं तड़का। तो ये देख मैं बाहर साफ कर रही ना, तो अंदर से साफ हुई है, और बाहर से जितने को मैंने बाहर से साफ होनी थी, बहुत ज़्यादा लगी बारिश। मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर चूल्हे पे काली होगी तो एक ये वाला तड़का भी लगा लेंगे, उसके बाद कहूँगी मैं इसको साफ। और बहुत ज़्यादा अंगार हो गए, तो साथ साथ मैं भून लूँगी मैं मक्की भी।
और आगे पता नहीं अब कब लकड़ियां सूखेगी और कब चूल्हे में आग जलेगी। पूरा कर लिया है, अदरक गुडाई कर रही थी ना मैं, तब निकला वहां कुदाल से निकल गया। और ये है टमाटर और लहसुन प्याज और आलू का छिलका निकाल के हाथों से थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया है। और ये इस कुकर में है राजमा, ये भी चूल्हे पे ही बने हैं। ज्यादातर काम ना मैं चूल्हे पे ही करती हूँ क्योंकि आराम से बैठे रहो, मक्की भी भुनो और काम भी होते रहते हैं। और गैस भी है पर लेकिन गैस थोड़ा कम यूज करती हूँ मैं। और बेटी को तो बोलो आप, ये तो गैस पे ही तुली रहती है हर वक्त। तो अब डाल लूंगी मैं इसमें तड़का, आग भी नहीं जलाते तो, अगर आग नहीं जलाए ना तो बुरा मानते हैं। तो शायद मेरा तड़का हो चुका है और मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से मसाला डालने, जिसमें हम मसाले डाल सकते हैं और जीरा कम नहीं बचा है, चलो जो भी है ठीक है। चम्मच मिर्ची और एक चम्मच धनिया, और पहले से ही गर्म था तो अब डाल दिया मैंने टमाटर। टमाटर के अनुसार जितने टमाटर है ना उतना से नमक डाल दूंगी, तड़का पूरी तरह पक जाए तब डालूंगी मैं याद रखूँ। तो इसको अभी साइड में रखती हूँ और इसको थोड़ा सा मैश कर दूंगी, हो गया है। अब डाल दूंगी मैं इसमें हल्दी, एक चम्मच हल्दी का हो गया। तो इसको मिलाने के बाद अब डालूंगी मैं अदरक, क्योंकि अदरक को ना ज़्यादा नहीं मैश करती। और अब डालूंगी मैं इसमें राजमा, अब इसमें उबाल आने देंगे और उसके बाद हो जाएगा रेडी। ओ तेरा, अरे बाप रे बाप, से आलू तो रह गए इसमें डालने को, पहले तड़के में ना आलू डालने थे वो तो बच गए, अब क्या करूँ इनका। तो अब इनको ना पहले तड़के में आलू डालने थे फिर ऊपर से डालने थे उबले हुए राजमा, तो अब मुझे ये ना फ्राई करना पड़ेंगे। गैस पे करती हूँ इनको फ्राई, तो गैस पे रख दिए मैंने फ्राई और इसमें डाल दूंगी मैं तेल, ये थोड़ा सा ना अचार का तेल था आम के अचार का, तो ये भी डाल दिया और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं और, क्योंकि मुझे सिंपल से फ्राई करने हैं। और डाल देने हैं राजमा में, जीरा तो खत्म है, डालूंगी इसमें धनिया और मिर्ची और मिर्च थोड़ी सी, और डालूंगी मैं नमक और इसको भी हल्का सा फ्राई कर दूंगी। राजमा में और राजमा हमें डाल दिए मैंने वो आलू जो फ्राई किए थे फटाफट से, और मैं अपने किचन का पूरा जो सामान है उसको एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। और मेरे फोन पे फोन भी आ रहा है, मैं उसकी भी सुन लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो पूरे बर्तन बुर्तन मैंने सारे साफ कर लिए हैं और जो किचन का काम है वो फिनिश हो चुका है, चावल भी बन चुके हैं, ये भी मैंने चूल्हे पे बना दिए है और यही लकड़ी बची है। अब लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे, देखती हूँ क्या क्या होता है क्योंकि शाम को तो लकड़ियाँ चाहिए होती है। और ये हो गए मेरे राजमा, इनको मैंने ना पीछे कर दिया है और देखो, तो इसको मैं रख कर रख दूंगी अभी यहाँ पे। और अब देखती हूँ बाहर कैसा मौसम है, तो पशुओं को भी बाहर करना है। अब पशुओं का ही काम बचा और मैं आ गई हूँ अब पशुओं के आंगन में और खुरली में घास डाल दिया है और अब मैं पशु बाहर करूँगी। और उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो करूँगी मैं लकड़ियों का इंतजाम। तो आज पता नहीं धूप लगेगी कि नहीं लगेगी, कि पूरा दिन बारिश रहेगी, पर अब नहीं है, अब थोड़ी सी थम गई है। तो पशु को मैंने कर दिया है बाहर और भैंस को छोड़ दिया। आज मेरी भैंस को पता नहीं क्या हो गया भाई, उसका ना पूरा ही मुंह में सोजिश आ गई है। और ये देखो बताती हूँ मैं आपको, यहाँ छोड़ा मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, ये देखो क्या हुआ भाई तेरे को। और ये गाय और ये बछड़ा ना इधर बांधे, इसको टोकरे में दिया घास और इसको बड़े वाला टोकरा। ये देखो ये जो इसका नीचे वाला जो होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा सोजिश आ गई है, ये देखो। और ऊपर में भी पूरा बेजवान पशु है, इनको क्या करूँ मैं, क्या हुआ होगा। ये ना मैं जब शाम को
पशुओं के आंगन में आई थी तभी ये बहुत उछल कूद रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, पर मैंने ऐसा तो सोच लिया मैंने रिंगड़ वगैरह ने काट लिया इसको। फिर मैं इसके मुंह से हाथ लगाती रही ना, फिर इसने अपने मुंह में हाथ ही नहीं लगाने दिया और मैंने इसको छोड़ दिया। थोड़ी देर थोड़ा घूम फिर भी लेगी, और जो रस्सा था ना इसकी मुर्क वो पूरी बैठ गई थी मुँह पर और निशान भी पड़ गए उसको, और पूरे मुँह में ना इसके सोजी से जितना ये दिख रहा है ना मोटा मोटा, इतना मोटा नहीं है, इसमें सोजी से ही आगे की तरफ भी आ गई है पूरी। ये देखो मेरे हिसाब से तो रिंगल ने काटा है, पर मुझे देखना पड़ेगा पहले तो। ये मेरे को ना हाथ ही नहीं लगाने देती अपने मुंह से, पर कोशिश करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। साउथ साइड का काम हुआ तो ख़त्म हो गया, और अब मैं लकड़ी का ही करूँगी कुछ, और बारिश हो गई है फिर से, तो लकड़ी का इंतजाम तो मैंने कर दिया कुल्हाड़ी से। आज कुल्हाड़ी से काटना पड़ा क्योंकि दराट वगैरह मुझे मिला ही नहीं कहीं, नहीं मैं ढूंढती रही, फिर कुल्हाड़ी आ गई मेरे सामने, मैंने कोई ले आई और ये कर लिया मैंने लकड़ों का इंतजाम। तो अब मैं अंदर चूल्हे पे वहाँ रखूँगी मैं इनको सूखने के लिए, तो शाम के टाइम को थोड़ी बहुत सूख जाएगी, क्योंकि शाम के टाइम ऐसे भी कम ही लगती है, सब्जी गैस पर बनती है और चपाती बनती है, सुबह के टाइम को लगती है ज़्यादा लकड़ी, तो मैं अभी इनको इकट्ठी करके चूल्हे पर रख लूँगी। ये देखो इस तरह से रखूँगी मैं इनको, ये शाम के टाइम को हो जाएगी। तो इस तरह का कई दिनों के बाद करना पड़ा इस तरह का इंतजाम। तो मैं तो स्टोर लकड़ी का स्टोर ख़त्म होने नहीं देती थी, पर पता नहीं कहाँ चला गया दिमाग, लकड़ियों का ध्यान ही नहीं आया। और अब बारिश लगातार बारिश चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस तरह से मैं लकड़ियाँ सुखा लूँगी और जो बची है उनको रख लूँगी मैं बाहर। और अब उस भैंस को भी लगाना पड़ेगा कुछ, देख तू मिट्टी का तेल लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ना रिंगल नहीं काटा है। ना धोकर मैं अभी फ्रेश और ये वाले कपड़े पहन लिए मैंने घर पे, क्योंकि अभी मुझे घास नहीं काटना, घास मुझे काटना है शाम के टाइम, अभी घास बहुत गिल्ला है रिंदी। और तो देखो बाहर का मौसम भी ना धूप लग गई है, और अब मेरी लकड़ियाँ भी सूख जाएगी। और ये कपड़े मैंने ऐसे ही डाल दिए सूखने के लिए, क्योंकि गिल्ले हो गए थे पशुओं का स्नान कराते कराते, तो वहाँ डाली हुई है मैंने अपनी लकड़ियाँ पत्ते पे, टीन के पत्ते पे, वो भी सूख जाएगी। तो अब छोटा मोटा काम देखना है मुझे अंदर ही, और अभी पशुओं का काम भी फिनिश नहीं हुआ क्योंकि इनको तारा मेरे देना है, और मुझे अंदर करना मुझे 2 बजे। और चलो मैं छोटा मोटा सा काम कर लेती हूँ, और घास काटना है मुझे अभी शाम के टाइम। तो टाइम हो गया है 2:04 हो गए, और खाना खा के अब मैं अपने पशुओं को तारा मेरा दे लूँगी, और फिर इसके बाद मैं कर दूंगी इनको अंदर, क्योंकि 2 बजे के बाद है ना मक्खी लग जाती है फिर पशुओं को। तो तारा मेरा खिलाने के बाद अब इतना इतना सही देना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे पशु हैं और तारा मेरा है बहुत ज़्यादा महंगा, और तो एक एक करके मैं सबको दे लूँगी। और मिट्टी का तेल नहीं मिला भैंस के लिए ना, तो इसको एक गोली दे दी है सिट्राजिन की, और उससे ठीक हो जाएगी ऐसा बोला। कुछ नहीं है, रिंगल नहीं काटा है ना इसको, और अच्छे बच्चे। तो इन दोनों को खिला लेती हूँ मैं पहले। तो पशुओं को तारा वीरा देते देते ना फ़ोन पर फ़ोन आ गया था, तो मैंने वो फ़ोन अटेंड किया, और उसके बाद कुछ तो घास मेरे पास है भी इधर, ये कल का बच्चा वो लंबा लंबा, और ये जो छोटा छोटा घास है पतिदेव जी लेकर आए हैं घासणी से, क्योंकि उनसे ना खेतों में नहीं काट सकते, वो मक्के में नहीं काट सकते, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता मक्के में घास काटना, तो चले जाते हैं घासणी से ले आते हैं। और मैं घासणी में अगर जाऊंगी ना तो मेरे साथ एक और चीज़ है घास ले आने वाला, मैं काट तो देती हूँ लेकिन फिर वजन नहीं उठा सकती, क्योंकि डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा सा ही उठा सकती हूँ मैं, 4-5 बोड़े घासणी के, और खेतों से लाती हूँ मैं 2-2 बोड़े इकट्ठे करके। और थोड़ा सा जो घास बचा था ना इधर देखो, उस पर मैंने थोड़ी सी चोकर फेंकी है ताकि इसको अच्छे से खा ले, फिर मैं इनको अंतर करके ना, अब बारिश का मौसम भी बन रहा है, देखती हूँ अभी लकड़ियाँ वगैरह जो सूखने के लिए डाली वो भी अंदर करनी है, कुछ और सामान है अंदर करने का वो भी कर लूँगी, और फिर देखती हूँ क्या बनता है। अगर बारिश का मौसम बन जाएगा तो मैंने थोड़ा सा काटना है, थोड़ी सी मैंने टंडे काटने हैं, टंडे मतलब मक्की के टंडे, और 2-3 पूड़े काटने हैं, और बस। तो कुछ मेरे पास है भी इधर, तो मिक्स करके कुछ सूखा घास और कुछ ये घासने का घास और कुछ बड़े वाला घास, कुछ मैं टंडे लाऊंगी, 2-3 पोड़े और लाऊंगी, इस तरह का मिक्सर कर लेंगे, और फिर जो गेहूं की तूड़ी है उसमें मिला के पशुओं को कर देते हैं। और यहाँ पर ढक दिए हैं पशुओं को, मतलब जब मिल्किंग करेंगे ना उसके बाद ये दाना इनको भिगो कर यहाँ ढक दिया है,
और इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।